नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते अपने शहर और आसपास की हलचल पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, सरबत के भले की अरदास। जंडियारा गुरु के विकलांग युवक ने दुबई इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स में लिया भाग, जीता बिजनेस टाइकून अवार्ड। और अब हलचल विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुरु नगरी अमृतसर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक होकर सरबत के भले की अरदास की और भगवान का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर उन्होंने अकाल तख्त साहिब और घल्लूघारा की याद में 1984 में ढहे अकाल तख्त साहिब के मॉडल को भी देखा। इस मौके पर श्रोमणी कमेटी की ओर से उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए गोयल ने कहा कि बहुत दिनों बाद वह गुरु नगरी में आया और वह गुरु घर में माथा टेकने पहुंचे हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज सभी को तरक्की व प्रगति प्रदान करें, हमारा देश आर्थिक प्रगति में मजबूत हो। तो वहीं जब राजनीतिक मामलों के बारे में पूछने की कोशिश की गई तो वह कुछ भी कहे बिना चले गए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी फतेह। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दर्शन करने का भी मौका मिला। कोविड के दिनों में मैं इस तरफ आ नहीं पाया था, तो कई वर्ष के अंतराल में आज मैं आया हूँ। बहुत ही आनंद आया, बहुत ही शांति सुकून महसूस किया। शब्द भी बहुत उपयुक्त था, मुझे प्रेरणा दी। और मैं सिर्फ प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा देश में सद्भावना बनी रहे, हमेशा हम सब मिलकर देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं, सबका भला हो, सबका जीवन उज्जवल हो, सभी के बच्चों की अच्छी परवरिश हो, अच्छा उज्जवल मौकों से भरा हुआ एक ऐसा जीवन ईश्वर दे, ऐसा जीवन भारत के हर नागरिक का हो, सुख संपत्ति कोई कमी ना हो किसी को भी, और आर्थिक प्रगति के साथ साथ उनकी जो धार्मिक प्रगति है, जो धर्म के साथ जुड़ाव है वो भी बना रहे, आस्था भी पक्की रहे और देश की अस्मिता भी बनी रहे। पंजाबी देश दुनिया में जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत के दम पर एक अलग मुकाम हासिल कर दिखाते हैं, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया माझा क्षेत्र के एक लड़के ने। ये युवक बचपन से ही चलने में असमर्थ है, लेकिन शारीरिक रूप से असमक्ष होना कोई विकलांगता नहीं है, पर इंसान को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए। रणजीत सिंह ने भी कभी नहीं सोचा था कि गांव में घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाने वाला ये युवक भी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धियां हासिल करेगा। दुबई इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स में इस युवक को शिक्षा और अन्य पेशे के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन के लिए बिजनेस टाइकून अवार्ड दिया गया। रणजीत सिंह के दुबई से जंडियाला गुरु के निकट अपने पैतृक गांव धुलका पहुंचने पर गांव में जश्न का माहौल था, और इस मौके पर परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने उनकी उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी। रणजीत सिंह की इस उपलब्धि पर बाबा बकाला साहिब हलके के विधायक दलबीर सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंचे और उन्हें सिरोपे और सम्मान देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही हलका विधायक दलबीर सिंह ने कहा कि ऐसे युवा दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होते हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। थैंक यू। सब तो पहला मैं सारे का बहुत बहुत थैंक यू करदा अपनी कंट्री का, अपने लोगों का जिन्होंने विश्वास किया, इस मुकाम तक मैं पहुंचा। दुबई दे विच कंसैप्ट एक्सलेंस बिजनेस अवार्ड कंसैप्ट सी, जिहदे अंडर सोशल मीडिया तो उन्होंने सर्च करके जिन्हां दी परफॉर्मेंस वधिया, जिहड़े मतलब कि
ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਛ ਡਿਸੇਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਬਿਹਾਵ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਪਾਨ, ਇਜਿਪਟ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰਸ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੱਦ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, MLA ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੋਂਗ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵਰਕ ਹਾਰਡ, ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਈ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ, ਮਾਲਕ ਇਹਨੂੰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਹਲਕਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਖਰੀਦ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਧ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਸਰੋਵਰ ਤੱਟ ਵਾਸਨੀ ਪਰ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਖੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਧਾਮ ਮੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਭਜਨ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਮੇ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰ ਮਾਲਿਨੀ ਚਾਲੀਸਾ ਕਾ ਗੁਣਗਾਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਹਿਗਲ ਐਨ ਪਾਠੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਭਜਨ ਗਾਇਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਲੱਕੀ ਐਨ ਪਾਠੀ ਨੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਕੇ ਭਜਨੋ ਕੋ ਗਾਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਮਾਂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕਰ ਦਿਆ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਬਲਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕੀਆ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਵਰਿਸ਼ਠ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਲਿਤ ਗੁਪਤਾ, ਕੋਸ਼ਾਧਿਅਕਸ਼ ਪਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ, ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਗੁਪਤਾ, ਫਾਊਂਡਰ ਮੈਂਬਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੋਤੀ, ਸੀਮਾ ਗਲੋਤਰਾ, ਯਾਦਵ ਖੋਸਲਾ, ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੌਰਭ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਬਜਾਜ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ ਸਹਿਤ ਅਸੰਖਿਆ ਭਕਤਜਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਧਨ ਦੀ
हाथ खड़े करके मां की फुरमाली का ध्यान करके ताड़ी की आवाज मां के कन्ना तक तुहाड़ी पहुंचे और लहरा बहरा जिन्हें जिन्हें लैनिया मां नूं कहो लहरा बहरा ओ लहरा बहरा ओ लहरा बहरा Thank you.
राज ग्रुप ऑफ कंपनी के मालिक राजकुमार कटारिया का गत दिवस आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जलंधर के हरनामदास पुरा स्थित शमशान घाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राजकुमार कटारिया को मुखाग्नि उनके पुत्र गौरव कटारिया ने दी। इस मौके पर पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक बाबा हेनरी, उद्योगपति मनीष गुप्ता, पंकज गुप्ता, राकेश गुप्ता, पूर्व पार्षद दविंदर सिंह रोनी, गौरव लूथरा, आशु सिंगला, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, नितिन शर्मा, अजय अलंगलाली, कुशल शर्मा, रिंकू, साहिल गुप्ता, राजू चुग, पोंटी राजपाल, राकेश शर्मा, पूर्व पार्षद महेंद्र सिंह गुल्लू, भजन गायक अशोक शर्मा, आशुष शर्मा, सुभाष गुलाटी सहित कटारिया परिवार के प्रेम कटारिया, गौरव कटारिया, श्रुति, अंकित कटारिया, चीना, पूजा लूथर, संदीप लूथर, स्वास्तिक, आरव, वृद्धि, प्रांजल, प्रियम, रोशनलाल कटारिया, आशा रानी, सुनीता कटारिया, सतपाल कटारिया, किरण कटारिया, सुदेश बजाज, राकेश बजाज सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय राजकुमार कटारिया को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में हुए नतमस्तक, सरबत के भले की अरदास। जंडियाला गुरु के विकलांग युवक ने दुबई इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड्स में लिया भाग, जीता बिजनेस टाइकून अवार्ड। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।